please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को पकड़ा है। पकड़े गए अपराधी अंबुज यादव पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद की। अंबुज यादव पर लूट, हत्या की कोशिश और हत्या और रंगदारी की मांगने के 15 मामले दर्ज है। पुलिस की को बदमाश को काफी दिनों से तलाश रही थी। पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम अंबुज यादव है। 25,000 का इनामी है। पुलिस पार्टी को देख के इसने पुलिस के ऊपर फायर किया जिसमें पुलिस का भी कर्मी घायल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश के गाने के मामले में दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता तेलंगाना सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि ये सब मराठी वोट बैंक के लिए हो रहा है। मुंबई में एक पत्रकार ने लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान कुछ लोगों पर हमले का आरोप लगाया। पंजाब के अमृतसर पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर जिला कोर्ट में वकीलों ने मुंडन करवाकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में भीड़ की पिटाई से घायल छेड़छाड़ के आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर बंधक बनाकर रखी गई बिहार और असम की दो लड़कियों को छुड़ाया। यूपी के गोरखपुर में रजिस्ट्री दफ्तर में फर्जी रजिस्ट्री न करने पर भू माफिया पर दफ्तर में मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास 3 बदमाशों ने फायरिंग की जिसमें एक आदमी घायल हो गया। मुंबई के गोरेगांव में चप्पल बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग में एक आदमी गंभीर रूप से झुलस गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल की 4 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत के बाद उन पर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। मुंबई में 18 दिसंबर 2017 से अलग अलग इलाकों में लगी आग से अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। सब हेल्प करने आ गए बाजू के एरिया से, अन्ना नगर से। जितनी भी हेल्प हम लोग से हो सकती थी हम लोग ने की। सबका सामान विमान निकाल दिए। विवेक, वजह पता चल पाई आग की? अभी देखिए इस पूरे मामले में अब फायर ब्रिगेड तफ्तीश कर रहा है कि आग लगने की वजह क्या है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जो चप्पल बनाने की फैक्ट्री थी उसमें जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और जो सामान वहाँ पे था काफी ज्यादा ज्वलनशील था जिसकी वजह से जो ये फैक्ट्री में आग लगातार बढ़ती गई और इस पूरे आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड को तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा समय लगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक शख्स की जो हालत है काफी ज्यादा खराब है। वो काफी गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसे और उसका जो उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। शुरुआत की जाँच में ऐसा पता चल रहा है की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। शुक्रिया विवेक। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज किया कि पीएम मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए सुझाव मांगते हैं लेकिन उनके दिए सुझावों को नकार देते हैं। पंजाब के लुधियाना में बस ड्राइवरों की हड़ताल में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के लव जिहाद के आरोपों को लेकर लड़की के पिता की जवाब देने के लिए समय की मांग ठुकराते हुए साफ कर दिया कि गुरुवार को ही सुनवाई होगी। राजस्थान में इस साल अब तक स्वाइन फ्लू से 88 लोगों की मौत हो गई और 976 नए मामले भी सामने आए। बिहार के फुलवारी शरीफ में लोगों ने एक गैस एजेंसी पर उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर के लिए 3400 रुपए चुकाने या फिर कनेक्शन वापस मांगने का आरोप लगाया। इशरत जहां केस में अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने गुजरात के पूर्व डीजीपी पीपी पांडे को आरोप मुक्त कर दिया। यूपी के मेरठ में एक बच्चे के यौन शोषण के मामले में परिवार वालों ने आरोपी को बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के वाराणसी में बीजेपी नेता मुनील कुमार गुप्ता को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पिछले महीने वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने दिल्ली में सम्मानित किया। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाकर सुर्खियों में आए टीम इंडिया के क्रिकेटर करुण नायर ने बताया कि पिछला एक साल उन्हें आसमान पर ले गया और फिर धरती पर पटक दिया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने महिलाओं की डिलीवरी के दौरान महंगे इलाज में मदद के लिए एक चैरिटी कार्यक्रम की शुरुआत की।
दिल्ली की 30,000 कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला और प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, जिनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। पुलिस ने दोनों विधायकों की 2 दिन की रिमांड मांगी थी। दोनों विधायकों पर दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट का आरोप है। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी हिरासत में लेने की मांग की है। आईएएस एसोसिएशन ने मीटिंग्स के बहिष्कार के बारे में कहा था, तो मेंबर्स ने कमेटी को ये निवेदन किया है कि आईएएस एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ भी सदन कुछ कार्रवाई करे। बड़े स्तर की जांच के बाद जैसी बातें सब आई हैं, अगर वही हैं, तो निश्चित रूप से इस सरकार को अब सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि नैतिकता की कोई भी चीज इनसे अपेक्षा आप नहीं की जा सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने चारा घोटाला मामले में रांची की जेल में बंद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। भारत और रूस की दोस्ती के 70 साल पूरे होने पर कई देशों का दौरा कर दोनों देशों का एक संयुक्त दल झारखंड के रांची पहुंचा। यूपी के कानपुर में बैंक घोटाले के आरोप में सीबीआई ने रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी और बेटे से पूछताछ की। रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण की एक योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के ढांचे जैसा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। मंदिर के ढांचे का अयोध्या में स्टेशन निर्माण करके भारतीय रेल की ओर से तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर छात्रों ने सड़क पर क्लास लगाकर प्रदर्शन किया। यूपी के आगरा में एक शादी समारोह में गाना बजाने को लेकर हुए झगड़े में कुछ लोगों पर गाना बजाने वाले को पीटने का आरोप लगा। यूपी के गोरखपुर में रेलवे पुलिस के जवानों पर हमला करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। बिहार के किशनगंज में जमीन विवाद में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चर्च, धर्म और भगवान को खरीदना चाहती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी ने कई चर्च को करोड़ों का ऑफर दिया तो घिनौना काम है। उन्होंने मेघालय में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर सत्ता में लाने की अपील की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और परिवार के साथ लंगर में रोटियां बनाई। यूपी के फैजाबाद में फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। यूपी के मेरठ में 25 फरवरी को होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में 3 लाख आरएसएस कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद अब गुरुवार को सुनवाई होगी। एनजीटी ने मुरादाबाद में रामगंगा नदी किनारे इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंकने के मामले में यूपी सरकार की जुर्माना माफ करने वाली याचिका खारिज कर दी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल है। मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरुण अग्रवाल को फोन पर धमकी देने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अधिकारी पर केस दर्ज किया गया। हाईकोर्ट के जो जस्टिस साहब थे उनका फोन आया था, उन्होंने कहा था कि कोई जो है फोन पे काफी अभद्रता कर रहा है। यूपी के उन्नाव में एक शादी समारोह में दूल्हे को अचानक चक्कर आने के बाद लड़की वालों पर शादी तोड़ने और दहेज में दिया सामान वापस न मिलने तक बारात को बंधक बनाने का आरोप लगा। यूपी के कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के आरोप में एक बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागजात जब्त किए। बीएसपी के पूर्व नेता और मायावती सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके साथ समर्थक भी कांग्रेस का हाथ थामेंगे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले नसीमुद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी में गांधी जी की झलक दिखती है और देश का विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस का हाथ थामेंगे, क्या ऐसा नजर आया आपने और आपने सोचा कि कांग्रेस चाहे? देखिए, जब तक देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, फिर का प्रस्तावतें सर नहीं उठा पाई, और जैसे ही कांग्रेस की सरकारें धीरे 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 प्रदेशों में और देश में कम होना शुरू हुई, फिर का प्रस्तावतों ने एक तरफ सर उठाया, दूसरी तरफ क्राइम बहुत बढ़ गया।
विकास रुक गया, लोग असहाय महसूस करने लगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं, हर तरीके से हम पीछे गए। इसलिए आज जो हम लोग देख रहे हैं, मैं भर नहीं, हम लोग जो देख रहे हैं कि इस देश को माननीय राहुल गांधी जैसे नेता की आवश्यकता है और वही इस देश को सही दिशा दे सकते हैं और देश को संभाल सकते हैं, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में जमीन पर बैठकर आदिवासी समाज के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। हम जनता से ये कह रहे हैं कि भाई 5 महीना भारतीय जनता पार्टी को आप दे दो। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की, जिसके बाद अमरिंदर ने दावा किया कि उन्होंने कनाडा के पीएम के सामने खालिस्तान का मामला उठाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शिवाजी के जीवन पर नाटक पेश करने आए 25 कलाकारों को फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में डीटीसी के 13,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पक्का नहीं किए जाने समेत दूसरे मुद्दों को लेकर हड़ताल पर चले गए। एनजीटी के आदेश के बाद सीवेज प्लांट न होने से यूपी के गाजियाबाद में बने हज हाउस को सील करने के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में घुसे एक आदमी को चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने वक्त रहते बचा लिया। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक वॉशरूम में एक लड़की का वीडियो बनाने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में लोकायुक्त की एक टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 19 रन से हराकर 3 देशों की T20 सीरीज जीत ली। दिल्ली के नारायणा थाने में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने भागने के लिए थाने की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक दलबीर के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले पिटाई की और फिर छत से फेंक दिया। मृतक के परिवार ने पुलिस से पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। पुलिस वालों का कॉल आया था कि आपके पिताजी के अगेंस्ट जो है 420 का एक केस लगा है, आप यहाँ आ जाओ। जो आईओ थे इस केस के, वो आके बताते हैं कि आपके पिताजी यहाँ से गिर गए हैं। पुलिस कस्टडी में कोई जो भी मुजरिम था वो कैसे गिर सकता है?